पुडुचेरी में राजनीतिक संकट जारी है। कांग्रेस सरकार की विदाई के बाद अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की फाइल भेजी है। दरअसल पुडुचेरी में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कांग्रेस सरकार गिरने के बाद विपक्ष ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री नारायण सामी और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद किसी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। इसके उपराज्यपाल से 14वीं विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की। पुडुचेरी में जैसा आपको पता है कि वहां सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहाँ के मुख्यमंत्री नारायण सामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 रेड विद सेक्शन 51 ऑफ यूटी एक्ट यूनियन टेरिटरीज एक्ट उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होगी और जैसे आपको मालूम है एक सप्ताह में लगभग कब आएगा तो अभी चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही लगता है तो उसमें सरकार वैसे भी ये नहीं होता, तो चुनाव में से ही अब नतीजे आएंगे और निर्णय आएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएस।